राहुल गांधी की कमी पूरी करेंगे वरुण गांधी। वरुण गांधी को मिलेगा कांग्रेस में आने का मौका। वरुण गांधी साबित होंगे कांग्रेस के लिए वरदान। एक मामूली मामले में राहुल गांधी की सदस्यता ही छीन ली गई। कांग्रेस इसे मोदी सरकार की साजिश बता रही। राहुल गांधी के जेल जाने की भी अटकलें लग रही। प्रियंका गांधी अब खुलकर मोर्चा संभाल सकती हैं। वरुण गांधी के प्रियंका से अच्छे रिश्ते हैं, तो क्या वरुण गांधी को कांग्रेस में मिल सकता है बड़ा मौका? वरुण गांधी को कांग्रेस की नहीं, कांग्रेस को वरुण गांधी की है जरूरत। वरुण गांधी कांग्रेस के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया था, लेकिन अगर कांग्रेस मोदी सरकार को चुनौती देना चाहती है तो वरुण गांधी ध्रुव का पत्ता साबित हो सकते हैं। वरुण गांधी कैसे कांग्रेस के लिए ब्रह्मास्त्र हो सकते हैं, कैसे देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बन सकता है, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें क्यों तेज हैं? वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जता चुके थे। राहुल गांधी ने नो एंट्री का बोर्ड लगाया था, लेकिन प्रियंका गांधी से लगातार बात होती रही। अब राहुल की मेंबरशिप खत्म हो चुकी है, जेल जाने की भी संभावना है। प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल लिया एक बार फिर से। इसी वजह से वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई। वरुण कांग्रेस में आते हैं तो मोदी सरकार की बेचैनी बढ़नीता है। वरुण गांधी कांग्रेस के लिए ध्रुव का पत्ता कैसे साबित हो सकते हैं? उत्तर प्रदेश कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन इस वक्त स्थिति काफी दयनीय है। राहुल गांधी अपनी परंपरागत सीट अमेठी से चुनाव हार गए। किसी तरह सोनिया गांधी रायबरेली सीट से चुनाव जीतने में सफल रही। वो खुद अकेले ही उत्तर प्रदेश से मात्र एक सांसद हैं। तभी उत्तर प्रदेश पर राज करने वाली कांग्रेस के भी विधानसभा में भी मात्र 2 विधायक हैं। जैसे ही कांग्रेस मौजूद होगी, सारे विपक्षी पार्टी देंगे अपना समर्थन। कांग्रेस के कमजोर होने की वजह से ही ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार पीएम पद की दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन जैसे ही वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होंगे, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनेगा। सारे विपक्षी पार्टी कांग्रेस को अपना समर्थन देगी, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा खतरा मोदी सरकार है, क्योंकि कह चुकी है वह सारी क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर देना चाहती है। मेनका गांधी, वरुण गांधी का सुल्तानपुर पीलीभगत में चलता है राज। एक तरफ राहुल गांधी जहां उत्तर प्रदेश के अमेठी से चुनाव हार गए, वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी ने रिकॉर्ड मतों के अंतर से चुनाव में जीत दर्ज की। वरुण गांधी को 7 लाख से ज्यादा मत मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी सपा के उम्मीदवार को मात्र 4 लाख वोट मिले। 2014 में भी सुल्तानपुर में सुल्तान बने थे वरुण गांधी। वरुण गांधी ने सुल्तानपुर में बीजेपी के 16 वर्षों का वनवास खत्म कर दिया था। 2009 में भी वरुण गांधी ने लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए शानदार जीत दर्ज की थी। माँ बेटे मिलकर 10 विधानसभा सीटों पर कर सकते हैं खेल। सुल्तानपुर पीलीभगत जहां माँ बेटे लगातार चुनाव जीतती रहे, उसके अंतर्गत 10 विधानसभा सीटें आती हैं। वरुण गांधी यहां के युवाओं किसानों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। उन्हें युवा भाई जी कहकर संबोधित करते हैं। इलाकों में पंजाबियों की संख्या अच्छी खासी है। मेनका गांधी उस समुदाय से आती हैं। कांग्रेस में आने से वरुण के खेमे में मुसलमानों का वोट भी आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वनवास भी खत्म हो सकता है। इस वक्त सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश की इकलौती सांसद हैं और विधानसभा से मात्र 2 विधायक। कहा भी जाता है कि दिल्ली की गद्दी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में अगर वरुण गांधी एक चेहरा बनते हैं तो इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा और मोदी सरकार की परेशानी बढ़ेगी।